First, we will understand mobile working ID. मोबाइल के अंदर होता क्या क्या है, मोबाइल की सर्किट क्या काम करती है, वो हम लोग मोबाइल को किस लिए यूज करते हैं, क्या क्या होता है, जैसे हम कॉलिंग करते हैं तो कीपैड होता है, डिस्प्ले, ऐसा बताओ मुझे मोबाइल में क्या क्या होता है। कीपैड होता है, डिस्प्ले होता है, माइक। पहले धीरे धीरे, पहले क्या चाहिए मोबाइल को, पावर चाहिए। पावर के लिए क्या लगाएंगे, चार्जर। ओके, चार्जर से पावर देंगे, कब तक, जब तक चार्जर लगाया वहाँ तक। अब उसको बैकअप करना है, बैकअप के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले आगे यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे। हाँ, बैटरी लगाएंगे, बैटरी क्या करेगी, चार्जर से बैटरी चार्ज करेगी, और उस दौरान चार्जर से करंट एक आईसी पे जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एक आईसी कौन सी होगी, पावर आईसी, जो सब आईसीज को पावर पहुँचाएगी। ओके, सब आईसीज को जितनी पावर चाहिए उतनी पहुँचाएगी। और अगर चार्जर निकाल लिया तो फिर कौन सप्लाई दे रहा है, बैटरी से करंट जाएगा। ठीक है, तो या चार्जर लगाया तो चार्जर से बैटरी चार्ज होगा, या यहाँ जाएगा, या यहाँ जाएगा, ना इससे भी रिवर्स जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपका जितना इसका बैकअप है उसके हिसाब से इसका बैकअप देता रहेगा। तो एक काम हमारा बैटरी का काम है। ओके, बैटरी, पावर आईसी, और क्या होता है मोबाइल में, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले किसके साथ कनेक्टेड होगा, यहाँ पर एक सीपीयू होगा मेन, हाँ एक बोलेंगे सीपीयू, जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होगा, एमसीयू बोलो, सीपीयू बोलो, कुछ भी बोलो, और उसके साथ एक डिस्प्ले की छोटी आईसी होगी, और यहाँ पर आपका डिस्प्ले लगेगा। डिस्प्ले कनेक्टर होगा, सॉकेट होगा, कनेक्टर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसकी एक छोटी कांच की आईसी नए मॉडल में आती है, और इसके साथ लगा है सीपीयू के साथ। और क्या है, यहाँ आपको डिस्प्ले दिखा, अब नंबर डायल करना है तो कीपैड, तो कीपैड भी यहाँ से लगेगा, इसकी भी एक छोटी आईसी होगी, और यहाँ पर आपका कीपैड इस तरह होगा, किस तरह होता है देखा गौर से, दो दो कीपैड इस तरह होता है, मैं कुछ नंबर ही डायल करता हूँ, एक आजू बाजू का रिंग होता है इस तरह, तो कीबोर्ड में इस तरह होगा, और यहाँ से एक नहीं बहुत सारी लाइन आएगी, किसकी लाइन है, किसकी लाइन, एक बीच की लाइन, एक इसकी लाइन, इस तरह सब कीपैड कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये बीच बीच इसके साथ जॉइंट होंगे, और बार बार का बार के साथ, ये बार बार वाले बार के साथ जॉइंट होंगे, इस हिसाब से होंगे, ये कीपैड होगा। और क्या चाहिए, माइक के साथ स्पीकर, उसको कौन सा सेक्शन बोलते हैं, ऑडियो सेक्शन। तो एक क्या होगा हमारे पास, ऑडियो आईसी होगी, ऑडियो, उसमें क्या लगेगा, माइक और स्पीकर, और दो माइक स्पीकर आते हैं, कौन सा आते हैं, हेडफोन, हैंड्स फ्री, हाँ, तो इसका एक हैंड्स फ्री माइक होगा और एक हैंड्स फ्री स्पीकर होगा। ओके, हैंड्स फ्री माइक और हैंड्स फ्री स्पीकर, ये दो होंगे, उसको ऑडियो सेक्शन बोलेंगे। और क्या आएगा, नेटवर्क, सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका आता है, नेटवर्क, आधो आध काम नेटवर्क का, तो नेटवर्क कैसा पकड़ेगा कैसा छोड़ेगा, हाँ नेटवर्क कैसा पकड़ेगा कैसा छोड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपका क्या होगा, ऊपर एंटेना होगा, इसको एंटेना बोलेंगे। एंटेना मतलब कुछ भी तार होगा, रिंग होगी, कुछ भी होगा, वो एंटेना होगा। हाँ, यहाँ से एंटेना से कभी कभी किसी में एक्सटर्नल एंटेना लगा हुआ होता है, सर देखा कभी एक्सटर्नल एंटेना ऊपर कनेक्टर होगा, मैं बताऊँगा बाद में, अभी तो जैसे समझा रहा हूँ मोबाइल के अंदर क्या क्या होता है, उसको किस तरह समझना है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्विचिंग होगी जूनो मॉडल में, उसको बोलेंगे एंटेना स्विच। ओके, एंटेना स्विच, यहाँ क्या करता है, यहाँ का सिग्नल आ भी रहा है, जाने वाला भी यहीं से जा रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, अलग करेगा, फिर यहाँ पर एक एम्पलीफायर आएगा, फिर दो एम्पलीफिकेशन के लिए फिल्टर होंगे, फिर एक एम्पलीफायर होगा जूनो मॉडल में, फिर एक कॉपलर होगा, जहाँ एक का डबल करके यहाँ एक और एक आईसी होगी, जिसको बोलेंगे ईप आईसी या हैगर आईसी या आरएफ आईसी, कुछ भी नाम बोलो। ओके, दीपक भाई, ईप आईसी, हैगर आईसी, यहाँ पर दो बैंड है, उसके लिए दो फिल्टर, दो एम्पलीफायर लगा, जूना मॉडल की बात कर रहा हूँ, फिर नए मॉडल में हम लोग जाएंगे कैसा आता है। एक फिल्टर का नाम है 900 की फ्रीक्वेंसी, एक है 1800। अभी हम लोग एक समझो कि जूना मॉडल देख रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं।
इससे समझ जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएंगे कैसा कंपोज होता गया है, क्या क्या काम था, किसको मर्ज करने लगा है इस हिसाब से। तो ये मॉडल को समझ लो, एक 900 एक 1800 की दो फ्रीक्वेंसी है। ये जो सिग्नल आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, आरएक्स। आरएक्स मतलब रिसीविंग, ऊपर से सिग्नल जो आ रहा है वो लाइन ये पर है, ठीक है, रिसीविंग सेक्टर। ओके, अब यहाँ से जो सिग्नल जाएगा इसके साथ कनेक्टेड होगा, और यहाँ से जो आपका सिग्नल आ रहा है वो कहाँ सुनाई देगा आपको, माइक या हैंड फ्री स्पीकर में। ओके, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा सिर्फ आरएक्स सेक्शन होगा। अब दूसरा सेक्शन क्या होगा, टीएक्स, जिससे सिग्नल हमारा ऊपर जाएगा। तो टीएक्स सिग्नल कैसा जाएगा वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक कपलर होगा, ओके, यहाँ से डबल का एक फिल्टर होगा, और एक बड़ी आईसी होगी जिसको बोलेंगे पीए या पीएफओ, हाँ, पावर फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर। यहाँ से दो लाइन आएगी, ओके, यहाँ भी दो कपलर दिए होंगे 900-1800 की अलग लाइन, और दोनों यहाँ से मर्च होंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ एक छोटी वाइट कोयल होगी, यहाँ से यूं होके यहाँ जाएगी। ये लाइन कौन सी है, टीएक्स लाइन, ओके, टीएक्स लाइन, इसको बोलेंगे टीएक्स। ओके, तो आरएक्स लाइन और टीएक्स लाइन, तो नेटवर्क में दो लाइन होगी, आरएक्स और टीएक्स। यहाँ पे जो सिग्नल आता है क्या आता है, एनालॉग, उसको डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये सब सिग्नल कन्वर्सन करते हैं। इसका काम क्या है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में मॉडेम आता था ना, उसका काम क्या है, टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल थी, डिजिटल सिग्नल करना और डिजिटल को एनालॉग करना। ओके, तो ये एनालॉग आरएक्स और टीएक्स की लाइन होगी। तो यहाँ से भी जो आएगा सिग्नल माइक का, वो यहाँ से दो सिग्नल आएंगे। एक एग्जांपल, कभी भी आप स्केमेटिक डायग्राम देखेंगे तो इसका माइक का सिग्नल होगा। देखो इसमें मैं सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, इसमें छोटी चीज़ होंगी, कैपेसिटर, कोयल, इंडक्टर, ये सब तो होंगे, वो हम बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी बेसिक उसका सिग्नल कहाँ से कहाँ जा रहा है वो बता रहा है, ठीक है। ये एक तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू, हर चीज़ को कंट्रोलिंग सिग्नल तो सीपीयू देगा, जो भी है वो। ओके, और तो ये समझ में आ गया आपको, और कोई चीज़ रह गई बोलो, कौन सी चीज़ आती है और मोबाइल में, कीपैड, डिस्प्ले, और भी बहुत चीज़ है, बोलो, चार्जिंग सेक्शन, तुम बोलो, नहीं आएगा, चार्जिंग सेक्शन तो हो गया, हाँ, ये बैटरी है, यहाँ पर एक आईसी होगी, हाँ, चार्जिंग आईसी एक हो गई जूने मॉडल में, हाँ, चार्जिंग आईसी होगी, चार्जिंग ऐसी होगी, वो चार्ज करेगी, बैटरी फुल हो गई नहीं हुई वो कंट्रोल करेगी, ना पावर ऐसे को सप्लाई देगी, ठीक है। और कुछ रह गया बोलो, सिम कनेक्शन, सिम कनेक्शन के लिए वो सिम का कनेक्शन पावर ऐसी से होगा। सिम में कितने लेग होते हैं, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः वायर होंगे यहाँ से एग्जांपल, हाँ, चार हो, चार के पाँच ही होंगे, एक डबल रिपीट होगा, तो ये सिम है आपका। और क्या है, हाँ, स्टोरेज, मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, ये जो भी है वो क्या है, वो कहाँ रखेगा, एक होती है रैम, एक होता है फ्लैश जूने मॉडल में, नए में क्या होता है, ईप्रोम और नैंड आईसी भी होती है, वो हम लोग एडवांस में देखेंगे, ठीक है। रैम और फ्लैश, ये इंटरनली कनेक्टेड किसके साथ है, सीपीयू के साथ, और कॉल आएगा तो कैसा पता चलेगा, कॉल आएगा तो कैसा पता चलेगा, रिंगर, वाइब्रेटर, ठीक है। तो उसके लिए इन लोग ने एक और एक आईसी दी है, इंटरफेस आईसी दी है यहाँ पर, जूनो मॉडल में अलग से आईसी दी थी उसकी भी, हाँ, और उसमें क्या क्या लगाया था, रिंगर, वाइब्रेटर और एलईडी दी थी, कीपैड एलईडी, डिस्प्ले एलईडी, और कुछ रह गया बोलो। सर्किट को चलने के लिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लगाते हैं, क्रिस्टल। तो एक बड़ा क्रिस्टल होगा यहाँ पर, हाँ, उसको बोलेंगे क्लॉक क्रिस्टल, अरे क्रिस्टल सादा, और यहाँ पर एक क्रिस्टल होगा, हाँ, एक यहाँ पर एक क्रिस्टल होगा, यहाँ पर पतला और लंबा होगा, उसको आरटीसी क्रिस्टल बोलेंगे, हाँ, इसके साथ होगा पावर आईसी के साथ आरटीसी क्रिस्टल, और एक नॉर्मल क्रिस्टल होगा जो सबको फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेगा, सबको फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेगा। और कुछ रह गया, देखो रेडियो ऑप्शनल है, नहीं भी है तो काम चलेगा, हाँ, और क्या ऑप्शनल है, कैमरा भी ऑप्शनल है, वाईफाई भी ऑप्शनल है,
ब्लूटूथ भी ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल है, इसको छोड़ दो। इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ है वही है। और कोई चीज़ रह गई? रैम, फ्लैश, सीपीयू, हाँ, डिस्प्ले, कीपैड, वाइब्रेटर, रिंगर, ये सब इंटरफेस इसके साथ भी कनेक्टेड होगा। और कोई चीज़? अच्छा, एक ऑन ऑफ स्विच आएगी। ऑन ऑफ स्विच मतलब इसके साथ ऑन होने के लिए एक स्विच आएगी, ऐसी एक तरफ उसका ग्राउंड होगा और एक तरफ 3 से 5 वाट आएगा जिससे मोबाइल ऑन होगा। ठीक है, और कोई चीज़ रह गई हो तो? क्रिस्टल। अब पावर आईसी का काम क्या है? हर आईसी को जितना पावर चाहिए वो पावर सप्लाई करेगा। इसको 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 जिसको जितना पावर चाहिए उतना पावर सप्लाई करेगा। क्रिस्टल का काम क्या है? जिसको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेगा। ये हुआ तुम्हारा बड़ा कंपोनेंट। इसी को हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो, एंटेना, एंटेना स्विच, फिल्टर, एम्पलीफायर, फिल्टर, कॉपलर। ओके, इसको बोलेंगे आरएक्स और ये सेक्शन को बोलेंगे टीएक्स। ठीक है, ईफ आई सी। अब इसको मोबाइल में भी देखते हैं। ये हमारा ओल्ड मॉडल है, हाँ, जूना। इसको हम लोग स्टडी करते हैं। अभी हमको इसको रिपेयर नहीं करना है क्योंकि ये 150-200 में तो मिल जाता है, लेकिन जस्ट समझने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये डिस्प्ले, ये कीपैड है, डिस्प्ले है, स्पीकर है और ये तुम्हारी आईसीज है। ओके, और जूम कम करो। देखो यहाँ पर, देखो एंटेना स्विच, अरे ऑन ऑफ स्विच। पहले हम लोग एंटेना देखते हैं। एंटेना यहाँ लगता है, हाँ, यहाँ भी, यहाँ से लग के यहाँ आएगा एंटेना स्विच। ये एंटेना स्विच है, हाँ, ये एंटेना स्विच है, ये एंटेना स्विच है, फिल्टर है, फिल्टर है, दो काले एम्पलीफायर है, क्या नहीं, किसके नीचे, बॉडी के नीचे, फिर पीछा फिल्टर है, हाँ, फिर पीछा दो कॉपलर है, देखो 900-1800 के दो कॉपलर है, फिर इफ आई सी है, फिर ऑडियो आई सी है और ऑडियो आई सी से फिर आपको स्पीकर पे सुनाई देगा। इसी तरह माइक में से बोलेंगे, हाँ, माइक में से बोलेंगे, माइक में से सिग्नल आ रहा है ऑडियो आई सी, ऑडियो आई सी के बाद क्या आया, इफ आई सी, इफ आई सी के बाद क्या आया, दो कॉपलर है, यहाँ भी देखो, दो कॉपलर है। ओके, दो कॉपलर के बाद क्या आ रहा है, एक फिल्टर अंदर दिया हुआ है, फिल्टर के बाद बड़ी आईसी है जिसको बोलेंगे पीएफओ है और एक छोटी वाइट कोयल है, देखो ये बीच में, वहाँ से सिग्नल यूँ जा रहा है। आरएक्स लाइन ये है और टीएक्स लाइन ये। ये आधो हाथ प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क। इसके साथ क्रिस्टल है, क्रिस्टल यहाँ पर है, दिख रहा है, ये क्रिस्टल है आपका, हाँ, ये वीसीओ है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, ये इफ आई सी के साथ कनेक्शन। अगर इफ आई सी निकाल ली तो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी सब जगह नहीं पहुंचेगी, चालू नहीं होगा। डेड है तो पावर ऐसी है इस हिसाब से। ये तुम्हारा अगर नेटवर्क सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन है, माइक है, माइक यहाँ पर है, स्पीकर यहाँ पर है, उसके इंटरनल पाथ कनेक्टेड है। और ये कितने लेयर्स के होते हैं? 5-7 लेयर्स के होते हैं। लेयर मतलब पर, जैसे ये स्पीकर का देखो, यहाँ से आजू बाजू से कहीं से भी पैड नहीं जा रहा है। ओके, अब लेकिन इसका जो ट्रैक है वो नीचे से बीच के लेयर से जाता होगा। पढ़ मतलब क्या, ये ऊपर का दिख रहा है आपको, ये नीचे का दिख रहा है। ये सिग्नल यहाँ से यूं होके यहाँ आता होगा, ये दूसरे लेयर से यूं होके यहाँ आता होगा, तीसरे लेयर से यूं होके यूं आता होगा, इस तरह होगा। और ऊपर का जो लेयर दिख रहा है वो टॉप और ये बॉटम टॉप, ये मल्टी लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 ये सब अखा एक कॉन्सेप्ट नेटवर्क सेक्शन हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिम। सिम किसके साथ लगा है? पावर आईसी। पावर आईसी का है ये, पावर आईसी। पावर आईसी के साथ क्या लगा है? चार्जिंग आईसी। और चार्जर कहाँ लगता है? यहाँ लगता है। अभी तो आपको कुछ पता नहीं है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर इसको हम लोग एक डीप में ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ है। सबका अलग अलग पॉइंट आता है। हमको पता है कि यहाँ चार्जिंग का पॉइंट लग रहा है, चार्जिंग आईसी है, यहाँ से क्या जा रहा है? पावर आईसी को दे रहा है और यहाँ से बैटरी यहाँ लगी होगी जो पीछे यहाँ लगती है, पीछे ये सब सॉकेट टाइप है। देखो सिम यहाँ लगा हुआ है, देखो चार्जिंग का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, चार्जिंग का पॉइंट यहाँ दिया है, तो ये कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, इस तरह पहचानना है। माइक का यहाँ लगाया तो माइक का यहाँ पॉइंट है, 2 पॉइंट माइक के। सिम के 6 लेग यहाँ पर दिए हुए, वाइब्रेटर है, रिंगर है, बैटरी का। तो ये सर्किट यूँ लगते, ये एंटेना है, देखो 1, 2 ये एंटेना है आपका, एंटेना के 2 पैड, ये एंटेना है, दिख रहा है? ये एंटेना के 2 पैड इसके साथ टच होना चाहिए तो नेटवर्क आएगा, नहीं तो नहीं आएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो ये वाइब्रेटर है, सिम से कनेक्टर है, रिंगर है,
माइक है, चार्जिंग है और ये हैंड फ्री, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहला हमारा सीपीयू है, सबसे बड़ी आईसी फिक्स होगी वो ज़्यादातर सीपीयू होगी, ठीक है। एक रैम, एक फ्लैश, हाँ रैम फ्लैश जो बताया ना मैंने, रैम और फ्लैश। कीपैड, कीपैड सेक्शन का है ये है, इसकी एक आईसी यहाँ कहीं छोटी होगी, हाँ, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, सीपीयू के साथ। इंटरफेस आईसी है, ये उसको कंट्रोल करती है, रिंगर, वाइब्रेटर, सॉरी एलईडी, एलईडी का है ये सब, एलईडी देखो, एक दो तीन चार और नीचे दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये एलईडी, एलईडी मतलब डिस्प्ले पे लाइट आ गए, पहले ऐसी एलईडी चलती थी, ठीक है। तो ये सब एक नंबर, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच ये भी किसके साथ लगा है, पावर आईसी के साथ। चार्जिंग, चार्जिंग बैटरी, इंटरफेस सब समझ में आ गया। आरटीसी, आरटीसी का है, आरटीसी ये रहा यहाँ पर है, हाँ आरटीसी क्रिस्टल दिख रहा है, ये भी ज़्यादातर सीपीयू के साथ कनेक्टेड हो, पावर आईसी के साथ कनेक्टेड होगा। आरटीसी क्रिस्टल किसके साथ लगेगा, पावर आईसी के साथ लगेगा। तो ये पावर आईसी के साथ लगा हुआ है, और रैम फ्लैश और कोई चीज़ बाकी रह गई, ये तुम्हारा ओल्ड मॉडल था। अब ये DCT-4 मॉडल बोलते हैं नोकिया में, ओल्ड मॉडल DCT-3 मॉडल बोलते थे, उसके बाद नया मॉडल आने लगा, क्या हुआ थोड़ा मर्ज करने लगा, क्या मर्ज कर दिया, ये सबको मर्ज कर दिया, और एक यही ये सब उड़ा दिया नए मॉडल में, और खाली ये लगा दिए दो फिल्टर एम्पलीफायर, ऑडियो आईसी को हटा दिया, पावर आईसी को हटा दिया, चार्जिंग आईसी को हटा दिया, इंटरफेस आईसी को हटा दिया, ये सब के बदले क्या बना एक नई आईसी, UAMIC शॉर्ट होने लगे स्मार्टफोन में, और भी थोड़ा कट कर करके दो दो आईसी पे आने लगे, इस हिसाब से तो जनरेशन चेंज हुआ, वही हिसाब से उसके मॉडल चेंज होने लगे। तो ये हैगर आईसी तो रहती थी, ऑडियो पावर चार्जिंग इंटरफेस मिला के एक हो गई, रैम फ्लैश एक आती है या दो आती है या नैंड आती है इसमें, इस तरह करके, ठीक है। तो हम एडवांस मॉडल देखते हैं, इसमें कोई डाउट्स है जूनियर में, कोई डाउट्स है बोलो, इसमें कोई डाउट्स है, PFO पावर एम्पलीफायर, मतलब जो नेटवर्क यहाँ से जा रहा है TX वो डीम होता है, उसको टावर तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है, मतलब एम्पलीफायर करके और ऊपर भेजना पड़ता है, तो वो भेजने के लिए ये करेगा पावर एम्पलीफायर, ठीक है। कोई और डाउट्स हो तो बोलो, ये क्लियर है। अब दूसरा थोड़ा एडवांस मॉडल देखते हैं, अभी तो जस्ट झलक दिखा रहा हूँ, हाँ फिर बाद में इसको स्टडी करेंगे कौन से कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। थोड़ा एडवांस मॉडल ये देखा है मॉडल, हाँ अभी तो हमारा डेमो पीस है, ये मॉडल है, कौन सा मॉडल यहाँ लिखा होता है, कितना है 6100 NPL2, 6100 मॉडल नंबर है, और उसका सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, NPL2। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है वो भी दिखेगा, देखो 3310 3315, हाँ और NHM करके लिखा होगा, हाँ NHM5 ऐसा कुछ लिखा होगा। यहाँ भी क्या होगा, मॉडल लिखा होगा 6100 और मैन्युफैक्चरर का जो सॉफ्टवेयर कोड क्या होगा, NPL3, ठीक है। ये थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट मतलब DCT-4 मॉडल है, उसके बाद और भी आने लगे। अब इसको हम लोग खोलते हैं, दिखाते हैं, देखो अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा वो देखो, ये दूसरा मॉडल, इसको 6610, देखो इसमें क्या था, एंटेना स्विच आ गया, अब इसमें ड्यूल वन था, इसमें कितना बैंड हो गया, थ्री बैंड हो गया, तीन कॉपलर है, देखो एंटेना स्विच तीन कॉपलर, हाँ 900 1800 1900, फिर सीधा एक कैपेसिटर से होके कहाँ जा रहा है, ईफ आई सी के बाद एक बड़ी आई सी, पावर चार्जिंग ऑडियो इंटरफेस मिला के एक आई सी हो गई, उसको क्या बोलेंगे, UMIC। UMIC से सीधा स्पीकर पे सुनाई देगा, और माइक से बोलेंगे वो भी जाएगा सिग्नल, माइक से जो बोलते वो यहाँ से जा रहा है, देखो इसमें दो लाइनें जाने की, 900 और 1800 1900 साथ में जाता है, हाँ 900 1800 1900, एक कॉपलर है, यहाँ भी एक कॉपलर है, देखो दिख रहा है, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, फिल्टर होके PFO पे जाएगा, ओके PFO से एक छोटी कोयल है, वहाँ से एंटेना स्विच पे जा रहा है, और एंटेना स्विच से एक्सटर्नल एंटेना, जहाँ इसकी बॉडी होगी, एक्सटर्नल एंटेना कहाँ है, ये एक्सटर्नल एंटेना, हाँ ये यहाँ लगेगा, एक्सटर्नल एंटेना सॉरी इंटरनल एंटेना, इसके पीछे क्या होगा, एंटेना होगी, ये एंटेना, एंटेना का कनेक्शन सीधा यहाँ आता है, यहाँ से इसको लगता है, और एंटेना में ये तुम्हारा एक वाइब्रेटर है, एक माइक है, एक रिंगर है, हाँ
ये यूएसबी सॉकेट है, ये सिम सॉकेट डायरेक्ट अंदर ही लगा हुआ है, वॉल्यूम की भी अप डाउन लगा हुआ है, ऑन ऑफ पैनल ऊपर हो गई, ये ऑन ऑफ स्विच टूट गई है लेकिन यहाँ पर है ये। तो ये तुम्हारा नेटवर्क सेक्शन हुआ पूरा। सी पावर आईसी भी इसी में आ गई, तो बैटरी भी इसी के साथ लगेगी, चार्जर भी इसी के साथ लगेगा, हाँ क्रिस्टल इसके साथ लगेगा, वीसीयू इसके साथ लगेगा, एक्सटर्नल माइक। अच्छा देखो अब पावर आईसी इसमें आ गई, तो कीपैड भी इसमें लगेगी, एलईडी रिंगर भी इसमें लगेगा, वाइब्रेटर भी इसमें लगेगा, और सीपीयू के साथ फ्लैश और रैम लगेगा। देखो फ्लैश, एस रैम, कीपैड आईसी, डिस्प्ले, ये सब सीपीयू के साथ लगेगा, और यूएम के साथ ये सब भी लगता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड, मेमोरी, रेडियो का भी, ये सब नॉर्मल है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। एंटेना किसी किसी में एक्सटर्नल एंटेना होगा, एक्सटर्नल एंटेना कैसा दिखने में होगा, ये सा होता है ना कभी कभी बैकग्राउंड में सीधे बोर्ड पे, कोई कोई बोर्ड में ऐसा होगा, इसको एक्सटर्नल एंटेना बोलते हैं। एक्सटर्नल एंटेना इस तरह होगा, कहीं कहीं में होंगे, सब में मॉडल में नहीं होते, सैमसंग ने एलजी में ज़्यादातर एक्सटर्नल एंटेना होगा, बाकी सब में ज़्यादातर डायरेक्ट ही कनेक्शन दिया होता है। ये क्या काम करता है, कहीं पर नेटवर्क कम पकड़ाता है तो एंटेना ऊपर रखो, उसका वायर अंदर डाल दो तो नेटवर्क पकड़ेगा, टेलीफोन की तरह, जहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, जब बाहर जा रहा है तो निकाल के ले जाओ, इस हिसाब से तो उसका सॉकेट आता था। तो ये सब नोकिया में बहुत कम आते थे, सैमसंग में ज़्यादातर एक्सटर्नल एंटेना ऑप्शन दिया होता है। तो ये क्या है, यहाँ से एंटेना, एंटेना स्विच, 900, 1800, 1900, कॉपलर, इसके जगह पे मैंने बोला कौन सी आईसी है, यूएम, जिसमें क्या काम करता था, जूने में क्या काम करता था, सब आईसीज अलग थी, अब इतनी सब आईसीज के बदले एक कॉमन आईसी कर दी, चार आईसी के बदले, ठीक है। देखो रैम फ्लैश भी साथ में कर दी, दो अलग थी, यहाँ पर रैम फ्लैश भी साथ में हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा मॉडल है, थोड़ा एडवांस मॉडल्स बोलते हैं, ये एकदम स्टार्टिंग 3310-6610। इसके बाद अब क्या आने लगे, स्मार्टफोन, स्मार्ट में क्या होने लगा, और भी आईसी छांटने लगी, छांट के क्या करने लगा, एंटेना स्विच उड़ा दिया, पीएफओ में ही एंटेना स्विच को ले लिया, एक ही आईसी दे दी, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, यू आईसी, ये सब को मिला के इसमें ही सीपीयू में रैम फ्लैश भी ले लिया, इस हिसाब से। तो ये हमारा स्मार्टफोन हो गया, कौन सी आ गई, सीपीयू, सीपीयू भी आ गया, यूएम भी आ गया, पावर आईसी भी आ गई, ऑडियो भी आ गई, चार्जिंग, क्योंकि सीपीयू किस में आ गई, ऑल इन वन में आ गई। अब रैम, फ्लैश, नैंड, स्टोरेज के लिए एक अलग आईसी दे दी, और नेटवर्क सेक्शन में इसमें दो जनरेशन आने लगे, 2G और 3G, तो 3G का भी नेटवर्क सेक्शन अलग, 2G का भी नेटवर्क सेक्शन अलग, इस हिसाब से यहाँ से दोनों नेटवर्क अलग से चलेंगे, ठीक है। उसका एक अलग से छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे, उसकी सर्किट में बताता हूँ, यहाँ ड्रॉ करी हुई है, देखो ये ग्रांड टू गैलेक्सी, ग्रांड टू कितनी आईसी है, दो मेन आईसी है, इसके पीछे दो सिम सॉकेट है, कैमरा है, ये इतनी इतनी चीज है, खाली आईसी मेन कौन सी है, दो आईसी है ना, बाकी कटिंग है, क्यों कटिंग है, तो यहाँ बैटरी बैठेगी तभी स्लिम होने लगेगी, बैटरी ने सर्किट डो रखेंगे तो जाड़ी हो जाएगी, तो बैटरी जितनी कटिंग देके बैटरी की साइज लगा के बैठाएंगे तो छोटी होने लगेगी, तो इसके हिसाब से यहाँ पर दो आईसी है और ये एक अच्छा सेक्शन है, ठीक है, इतनी छोटी सर्किट हो गई। ये स्टार प्रो है, स्टार प्रो, सैमसंग का स्टार प्रो मॉडल देखा होगा सबने, नाम सुना होगा, इसमें भी दो आईसी है, ये नेटवर्क सेक्शन की आईसी दी है, ये दिया है, दो सिम है, ये नॉर्मल है, इसके पीछे कुछ भी नहीं, कितनी आईसी है, दो आईसी कॉमन दी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, अभी देखो आपको ये सब नहीं पता है, अभी तो मैंने जिस बड़ी बड़ी आईसी का एक खाली इंट्रोडक्शन दिया है, पहला दिन है, तो अब उसको समझना है, ये आईसी नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये कंपोनेंट छोटे छोटे है ये भी पहले समझना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब तक ये चीज़ का मतलब नहीं समझ पड़ेगी, क्या काम कर रहा है, शॉर्ट है, ओपन है, क्लोज है, वहाँ तक खबर नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर सर्विस करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भी सीखेंगे तो चलेगा, बोलना है रिप्लेस करो, खराब है तो बदल लो, अगर रिपेयर करना है आईसी लेवल पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स को एक महीना लगाना पड़ेगा, छोटे छोटे कंपोनेंट को समझना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीन मॉडल और चार, इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन सर्विस मैनुअल, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सर्विस मैनुअल बताते हैं कैसा ओपन करना, क्लोज करना, 1, 2, 3, 4, ये सर्किट देख ली, ग्रांड टू
ये एकदम उसके बाद एडवांस, उसके बाद दो आईसी वाला आने लगा। ओके, फिर टैबलेट में भी ऐसे होने लगे, दो या तीन आईसी पे सब काम हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। ओके।